What is up guys, welcome back to my channel ARSHFAMers fam. So हम पहुंच चुके हैं फाइनली फोर्थ एपिसोड ऑफ क्या हुआ है वेडनेसडे एंड ये मैं अपना 30 डेज जो मैंने डेली व्लॉग किया डेली वीडियोज डाले इसका पहले मैं थोड़ा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि शेयर करना बनता है. सो बेसिकली नहीं पता चल रहा कब वेडनेसडे आ गया कब फ्राइडे आ गया. योगा क्लास 4 बार रिपीट होगी. सो इतना हैक्टिक शेड्यूल होने की वजह से पता चलता है कि दिन कितनी जल्दी जा रहे हैं या टाइम कितना कम है यार दुनिया में. मतलब फटाफट कुछ ना कुछ करते रहो. सो जो घर पे अभी फ्री बैठे हैं या जो सोच रहे हैं कि क्या करें या आगे फ्यूचर में क्या करना है उनके लिए मैं एक बेस्ट एडवाइस देना चाहता हूँ. अभी शुरू कर दो जो करना है. बहुत कम टाइम है आप लोगों के पास, नहीं तो बाद में पछताओगे कि हमने इतना टाइम वेस्ट कर दिया. आपको घर फ्री बैठ के नहीं पता चलेगा कि हाँ मंडे हो गए ट्यूजडे. कईयों को पता भी नहीं होता आज क्या है, बट इधर पता चलता है कि आज क्या है कल क्या है परसों क्या है. सो यह अपना 3-4 डेज नेक्स्ट शेड्यूल बिजी रखो एंड अपना प्रेजेंट तो बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव रखो. एंड एट द लास्ट ऑफ द डे जब डे ख़त्म हो रहा है थोड़ा फील करो कि हाँ कि आज तूने कुछ किया है पूरे दिन. सो या मेक योर सेल्फ प्राउड ईच एंड एवरी डे, तभी आगे जाके फ्यूचर आपका सिक्योर होगा जैसे भी है. या ये चीज़ें थोड़ा सोचा करो क्योंकि दुनिया बहुत छोटी है, टाइम बहुत कम है. कब निकल जाएंगे आपके 50 साल नहीं पता चलेगा. मेरा महीना निकल गया मुझे ऐसा लग रहा, 2 दिन हुए हैं 4 एपिसोड बना लेके हुए वेडनेसडे के नहीं पता चलता. चलो ये बातें तो अभी और एक्सपीरियंस होता रहेगा शेयर करते रहेंगे. सो आज ही करते हैं वीडियो स्टार्ट. वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ के वन वेडनेसडे. सो पहला क्वेश्चन, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. सो पहला क्वेश्चन पूछा है सिद्धार्थ ने, व्हाई यू नॉट वेयर शर्ट्स, शर्ट सूट यू ब्रो. मैंने इस बार लड़कों के भी चूज़ किया क्योंकि हमेशा मैं क्वेश्चन चूज़ करता हूँ ना, मैं नहीं देखता लड़के ने पूछा है लड़की ने पूछा. मैं सिर्फ क्वेश्चन देखता हूँ, स्क्रीनशॉट मारता हूँ कि हाँ मेरे को इस चीज़ पे डिस्कस करना है ना. तो बहुत मैसेज आते हैं कि आप लड़कियों की चूज़ करते हो, ऐसा कुछ नहीं है. मैं सिर्फ क्वेश्चन चूज़ करता हूँ, मैं ऊपर नाम इधर आके पढ़ता हूँ आई थिंक. तो इस बार मैंने थोड़ा ध्यान दिया. ओके सिद्धार्थ थैंक यू आपको. लाइक अगर मैं शर्ट में ज़्यादा अच्छा लगता हूँ ऑब्वियसली क्योंकि अभी घर पे है, लॉकडाउन रहा है सीन, अभी आपको पता ही है. तो घर पे मैं टी शर्ट्स वगैरह ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ एंड टी शर्ट में ज़्यादा बढ़िया था समझ रहे हो, डोला डोला दिखता है. बट या क्या हुआ है मैंने, अगर आपने नोटिस किया मैंने हर वीडियो में ज़्यादातर शर्ट ही डाली है. एंड या इवन आई लाइक वियरिंग शर्ट्स. या मैं ट्राई करूँगा अपनी ज़्यादातर वीडियो में शर्ट डालूंगा क्योंकि आप लोगों को पसंद है तो वही होगा ना. नो वरीज, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट. बट सिद्धार्थ अगर लड़के कॉम्प्लीमेंट करते तो मज़े आ जाते हैं, नहीं तो. अगला क्वेश्चन चलते हैं. अगला क्वेश्चन पूछा है सानिया ने, शुशी 24 आप लोगों के साथ रहता है क्या वरना कोविड का सिचुएशन है, टेक केयर एवरीवन. यस यस गाइस, शुशी हमारे साथ 24/7 रहता है, लाइक घर पे ही सोता है एंड घर पे ही काम करता है. एंड वो आई थिंक यूपी से है, सो बिहार से है, सो उधर लॉकडाउन के बाद जाएगा या कभी भी जाएगा नो आइडिया, बट वो हमारे साथ ही रहता है. शुशी फॉर लाइफ, बेस्ट बॉय है यार, क्यूट ही हमारा. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है राजेश ने, है राजेश क्या बोलते हैं, विच थिंग्स आर इन योर बकेट लिस्ट. अच्छा यार नाइस क्वेश्चन, बट लव फ्रॉम अमृतसर. अरे अमृतसर वाले हो. ओके सो मेरी बेसिकली कोई बकेट लिस्ट है नहीं गाइस, आई डोंट मेक एनी बकेट लिस्ट कि मेरे को ये करना वो करना है. मैं हमेशा बोलता हूँ गो विद द फ्लो. अगर मेरे को वहाँ पे जाने का मौका मिल रहा है, कहीं इंटरनेशनल जाने का मिल रहा है, लोगों का वो बकेट लिस्ट में होता है जहाँ पे मेरे को जाने का मौका मिल जाता है या मैं चले जाता हूँ या वो बीच देख लिया या कुछ ऐसा व्यू देख लिया. सो मैं बकेट लिस्ट नहीं बनाता हूँ क्योंकि मैं थोड़ा फ्यूचर के लिए वो होना कि मतलब अगर नहीं हो पाती कुछ चीज़ तो बंदा बहुत टेंशन में चला जाता है, डिप्रेस हो जाता है. मतलब ये चीज़ें मैं नहीं अपने माइंड में कभी रखना चाहता हूँ कि मेरे को ये करना है. बट इट्स ए वेरी गुड थिंग कि आप लोगों ने बकेट लिस्ट बनाई हुई है, उस चीज़ के लिए वर्क कर रहे हो. बट मैं किसी चीज़ के लिए नहीं वर्क करता हूँ, मैं सिर्फ प्रेजेंट के लिए वर्क करता हूँ. आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन हु बिलीव्स इन प्रेजेंट. या बट सही है बकेट लिस्ट में होनी चाहिए, बट मेरी नहीं है. बट क्या हो सकती बकेट लिस्ट मेरी, कुछ तो होगा. मैं गाइस मैं करना चाहता हूँ, मैं सोच के बताऊंगा अगले को मैंने वेडनेसडे को. ऐसा कुछ है नहीं मेरे बकेट लिस्ट वगैरह. ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वैशाली ने, हाय वैशाली. काफी लंबा क्वेश्चन है. How are you feeling as your hit 500k on YouTube? It's really a huge deal. Who really does daily vlogging with challenges and the hard work you are 3 years and now more and more. Congratulations for 500 on YouTube and also thank you so much for entertaining us. Love you, Ashfam. Love you guys. Love you, Vishali.
ओके सो बेसिकली मेरी 500 की फीलिंग है ना, जो बहुत ही अलग फीलिंग थी कि मेरे को वो फीलिंग दिखाने का टाइम भी नहीं मिला। बट जब मेरे 500 के हुए थे उस टाइम पे मैं अपने घर पे अकेला बैठा था, लाइट्स व्यूट्स बंद करके बैठा था और सोच रहा था कि यार मेरे 500 के हो गए। एंड मैं दिल में ही बहुत खुश था, सभी दरवाज़ा खोल के आ रहे हैं, हक कर रहे हैं, अर्श भाई कॉन्ग्रेचुलेशन 500 के हो गए, क्योंकि उनको भी पता है कि कहाँ से स्टार्ट किया था मैंने। सबको पता है कहाँ से स्टार्ट किया था मैंने, ऐसे किसी की सपोर्ट के साथ या अकेले ने किया था, एक फ़ोन से किया था, मोटोरोला G5 से किया था आई थिंक, तब एप्पल लेने के पैसे नहीं होते थे, एप्पल भी मैंने कैसे लिया था। अगर आपने ट्रांसफॉर्मेशन वाली वीडियो देखी उसमें मैंने अपनी स्टोरी बताई हुई है कि मैंने अपनी FD चुड़ा के रिस्क पे लिया था और वही FD के पैसे मैंने खुद डाले थे 6 महीने के बाद, क्योंकि वो मेरी कॉलेज की फ़ीस थी। FD चुड़ाने का फ़ायदा हो ही गया था क्योंकि मेरे को पता था कि यस तू कर सकता है, एंड मैंने वो अपने 7+ से किया था। सो मेरे लिए बहुत बिग डील है 500K, 50K भी बिग डील थी, 100K भी बिग डील थी। सो या बहुत अच्छी फीलिंग थी, बहुत इमोशनल मोमेंट था मेरे लिए उस दिन जब मेरे 500K हुए, क्योंकि इसके लिए मैंने बहुत काम किया कह सकते हो। बेसिकली 500K के लिए नहीं काम किया था, मतलब YouTube पे बहुत ज़्यादा वीडियोस, डेली व्लॉग, व्लॉग को एडिट करने में इंटरेस्ट, मतलब वो चीज़ें करने में लग गई स्वाद आता मेरे को। उसी के साथ साथ 500K हो गए। बट या थैंक यू गाइस, ये आप लोगों की वजह से हुआ है, आप लोगों के प्यार की वजह से हुआ है। सो जो भी हो आप ही हो मेरे यार, बहुत अच्छी फीलिंग थी, मतलब वैसे मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ, थोड़ा बहुत किया है बट टोटली एक्सप्रेस नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दक्षी शायद यही है। डिस्क्राइब यूर बॉन्ड विद MNV इन वन वर्ड। वेरी क्विक, ओके यही है बॉन्ड हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सम्राजनी, यही है ना, सॉरी गाइस। व्हाट वुड यू डू इफ यू हैड जस्ट ए ईयर लेफ्ट टू लिव, अगर मेरे पास एक साल होता जीने का तो मैं क्या करता। ओके सो बेसिकली मैं तब भी डेली व्लॉग करता एंड अपना जितना भी एक्सपीरियंस मैंने 25 साल में अभी किया है, मतलब एक्सपीरियंस तो बेसिकली 18 के बाद ही स्टार्ट होता है, क्योंकि बंदे को असली नॉलेज ही 18 के बाद, 19, 20, 21 असली, मतलब आजकल तो 16-17 भी चल रहा है। सो या तो मैं डेली व्लॉग करता पूरा एक साल, आई थिंक मैं दो वीडियोस भी डालता अगर मेरे पास एक साल ही होता, एंड अपना जो भी मेरे पास नॉलेज है, जो भी मेरे दिमाग में है, जो भी चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की है, अच्छी चीज़ें एक्सपीरियंस की है, मैं सब कुछ आप लोगों को बता देता कि हाँ, सो दैट मेरे जाने के बाद मेरी वीडियोस का या मेरा फ़ायदा कुछ देर तक तो होता रहे, ऐसे नहीं कि बंदा चले गया एंड उसे बंदे भूल रहे हैं या जो भी है, मतलब मैं कुछ करके जाना चाहता हूँ। सो या मैं एक साल अगर मेरे पास वो होता कि हाँ मेरे को पता है इसके बाद मैं गया, बट या मैं यही करता, मैं आई थिंक ज़्यादा सब कुछ ही एक ही बार में पूरा एक्सपीरियंस अपना शेयर करता है, एंड ऐसा नहीं है कि मैं पैसे पुसे खर्चता ऐश करता पूरा साल कुछ भी ये मस्ती, मतलब वो सीन तो है ही नहीं, वो तो कभी भी कर सकते हैं, बट मेन चीज़ यही है मेरे दिमाग में कि मैं वीडियोज ही बनाता एंड खुश रहता पूरे एक साल, कोई दुख अपने आप को आने ना देता, क्योंकि मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ मेरे पास कोई दुख आता। छोड़ो मैं थोड़ा अपनी ऐसे लैंग्वेज बोल के ऐसे अपने आप को अलग सा बना के खुश होता रहता हूँ, दैट्स मी। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन, डर लग गया यार साल तक मैं गया। सही था क्वेश्चन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है स्तुति शर्मा ने। हाय स्तुति, वन थिंग समवन सेड टू यू विच यू कैन नेवर फॉरगेट, वन थिंग, किसी ने मेरे को ऐसी कोई चीज़ बोली हो जो मैं कभी नहीं भूल सकता। आई थिंक मेरे को किसी ने DM पे या Facebook पे मैसेज मुझसे किया था जब मैंने अपनी कोई पहली दूसरी वीडियो बनाई थी कि ये क्या वीडियोस बना रहा है YouTube पे, कि क्या अलग से लग रहा है कि ऐसी चीज़ें मत कर, ये कर वो कर, मतलब मैंने उसका रिप्लाई नहीं दिया था, बट वो चीज़ मेरे को आज भी याद है। उस बंदे ने मेरे को बोला था तेरे 5,000 सब्सक्राइबर तक नहीं होंगे ऐसी चीज़ों से, मैं कहा ओके, एंड आज तक मेरे को याद है, उस बंदे का नाम नहीं लूँगा, बट बेटे बाप बाप होता है, और अगर किसी चीज़ मैंने ठान ली तो पट्टे से हेडशॉट, अगर तू देख रहा तो समझ गया होगा ना बेटा। ओके एंड नेक्स्ट क्वेश्चन अपना पूछा है सिमरत कौर ने। हाय सिमरत, दिस और डैट, काफ़ी क्वेश्चन है, केक और कुकी, क्योंकि कुकी बहुत अच्छी लगती है यार मेरे को, स्पेशली वो कोकोनट वाली ना, जिसको ऐसे तोड़ो बीच में से वो कोकोनट का वो चिपकरा होता है और मुंह में जाके स्पिगल्स आ जाता है, या कुकी, केक मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं है। मूवी और सीरीज़, क्योंकि मूवी तो मैं ज़्यादा इमोशनली देखता हूँ, मतलब एनिमेटेड तो बहुत ही आई थिंक सभी देखी हुई है मैंने, एंड सीरीज़ में थोड़ा वो देखता हूँ कि हाँ थ्रिलर टाइप,
अभी मैंने अमेजोन पे मैनिफेस्ट देख रहा था, तो मैं मनी हाइस्ट हो गया। मतलब ऐसे सीरीज़ में कुछ ज़्यादा पसंद है क्योंकि फिर 40-40 मिनट्स की भी रहती है और मज़े भी आते रहते हैं। कभी कभी 40 मिनट होता है, देख लो यार। मूवीज़ तो बहुत कम बहुत कम, सीरीज़ में फिर भी देख लेता हूँ। यूट्यूब और इंस्टाग्राम, आई थिंक गाइस बहुत, यूट्यूब एक अलग चीज़ है, इंस्टाग्राम बहुत ही अलग चीज़ है। बट अगर पहले जिस पे मैंने ज़्यादा तो जोर लगाया था वो इंस्टाग्राम था। सो या हैरी पॉटर और फ्रेंड्स, फ्रेंड्स गाइस मैंने अभी तक नहीं देखा। पिछले लॉकडाउन डैम पैम की वीडियो में बोला था मैं देखूंगा, बट यार बहुत बड़ा यार वो, बट मैं कभी ना कभी देखूंगा। बट हैरी पॉटर आई थिंक मैंने सारा देखा हुआ है। सो हैरी पॉटर, सनसेट और सनराइज़, क्योंकि मैं जैसे सुबह बहुत जल्दी उठ जाता हूँ। अगर मैं 3 बजे भी सोया, मैं 7:30 उठ जाता हूँ। अगर मैं और जल्दी सो गया तो मैं 5 बजे उठ जाता हूँ 12 बजे सो के भी, क्योंकि मेरी नींद बहुत ज़्यादा कम है। मैं सिर्फ 4 या 5 घंटे सो के भी मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी नींद पूरी कंप्लीट होगी। मैं सनराइज़ बहुत ज़्यादा देखे है। आई थिंक अगर आप मेरे को बहुत देर से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि हर FM ट्रिप में मैं अपना सनराइज़ की स्नैप डालता हूँ, या इंस्टाग्राम पे बूमरैंग डालता हूँ, या टाइम लैप्स बनाता हूँ। क्योंकि जब सनराइज़ हो रहा होता है ना, तो बंदे का दिमाग अलग ही होता है। मॉर्निंग में कुछ ना कुछ सोचता रहता है कि हाँ आगे जाके तूने ये करना वो करना है, पिछली बार तूने ये गलत किया था, ऐसी चीज़ें फिर से रिपीट नहीं होनी चाहिए। मतलब खुद से बातें करने में सनराइज़ में अकेले बैठ के ब्लैक कॉफ़ी पकड़ के या गाने सुन के, अच्छे अच्छे गाने सुन के अपने आप को मोटिवेट करना, इज़ ए अलग फीलिंग फॉर मी। एंड सनसेट का तो पता नहीं चलता कब हो गया। सनराइज़ फॉर लाइफ। ओके अभी हम लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन ही है। ये क्वेश्चन पूछा है पलक ने, डिस्क्राइब योर बॉन्ड विद मानव वंस अगेन इन वन वर्ड, फेविक्विक। वन वर्ड के मगर क्यों पढ़े हो? योर मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट विद मानव, आस्किंग अर्शवा। ओके मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट विद मानव, ओके बहुत ही फनी मोमेंट बताता हूँ एक, जो आज हम कल परसों भी डिस्कस कर रहे थे, मानव उन्नति को बता रहा था। एक बार क्या हुआ था, हमारा कॉलेज होशियारपुर में है ना, तो वहाँ पे क्या सीन था कि बहुत ही बड़ी सड़क है, लाइक कुछ 3-4 किलोमीटर की सड़क है, जो रात को बिल्कुल खाली होती है। साइड में जंगल 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 जंगल, शहर से अलग सा कॉलेज है। सो उधर हम बाइक पे जा रहे हैं, आई थिंक 2-3 बजे होंगे, हम अपना जा रहे हैं बाइक पे, मैं पीछे बैठा हूँ, मानव चला रहा है। वो सड़क पे जा रहे हैं, अंधेरा सड़क है, कुछ नहीं सिर्फ बाइक की लाइट है ना। तो एक ना साथ में से बंदा क्रॉस किया, मैं कुछ बोला नहीं मानव को, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ देख ली थी कि अगर मैं बोलता मानव को तो ऐसे लगता कि मानव कुछ ऐसे तो नहीं बोलेगा कि क्या बोल रहा है, छोड़ छोड़। बट मेरे से रहा नहीं गया, मैंने थोड़ा सा जब कॉलेज पास आने लगा, मैं कहा मानव जो मैंने देखा, क्या तूने देखा? कितना कुछ तो देखा था। मैं कहा मेरे को कृष दिखा। मानव के तो मेरे को भी कृष दिखा भाई, मेरे को नहीं पता। वो बंदा रात को 3 बजे कृष वाला वो माम खोटा था लगा के घूम रहा था। एंड तभी मैं पूछ रहा था कि यार मैं मानव को बोलूँ क्रिश दिखा तेरे को 2 बजे, बट मैंने पूछ लिया कि कुछ दिखा तेरे को? कहता हाँ। मैं कहा उसने क्रिश का बोर्ड डाला हुआ था मास्क? कहता हाँ भाई, उस रात हम हस पागल हो गए बाइक में, मैं क्या देख लिया। तो ये काफ़ी मेमोरेबल मोमेंट है, क्योंकि वो चीज़ याद है, ऐसे बंदा निकल रहा है क्रिश के कपड़ों में, नहीं क्रिश के मास्क में भाई, 3 बजे रात के, वो भी खाली सड़क पे। सो वो काफ़ी मेमोरेबल मोमेंट थी। बाकी बहुत मेमोरेबल मोमेंट है हमारी, तो वैसे बहुत मेमोरीज है, आई थिंक अगली बार कभी बताएंगे। सो या दैट्स इट फॉर केवन वेडनेसडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर मेरे को आपने इंस्टाग्राम पे अभी तक नहीं फॉलो किया, सो ऊपर आ गया होगा, जहाँ पे फॉलो करो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा नेक्स्ट वीडियो कौन सी आ रही है, या नेक्स्ट वीडियो में क्या आने वाला, प्रैंक वीडियो कब आने वाली है, या कोई वीडियो कब आने वाली है। सो या बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक कमेंट सब्सक्राइब, यार ऐसा चाहिए मर्श फैम, लव यू।